अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सम्माननीय संपत शिवाड़े साहब और देवती सौभाग्यवती देवाली शिवाड़े देवती शिवाड़े मैडम, थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। ये शहर प्लान से बना हुआ है। विरंगला के साहब जो बोल रहे हो ना, पहली बात 1992 के अंदर महानगर पालिका अस्तित्व में आई, हमारी आबादी थी 3.5 लाख, आज है 17 लाख। गार्डन तो उतना ही है, उतना नहीं बढ़ा हमारा। सिडको के प्लान में जब ये गार्डन बनाया था, इसमें कोई विरंगला के अंदर बनेगा ऐसा मास्टर प्लान में नहीं था। 1992 के अंदर जो गाड़ी रजिस्टर्ड हुई थी, उसके बाद में 28 टाइम्स गाड़ियाँ बढ़ी है, हमारा गार्डन तो नहीं बढ़ा। प्रस्ताव लीगल है क्या इलीगल है ये काम देखना, प्रशासन का प्रस्ताव इलीगल है। दूसरी बात, छोटा 400 फुट का काम है, टेंडर 28 लाख का है, मैं खुद उस लाइन से संबंधित हूँ। 1500 फुट पकड़ोगे, 2000 पकड़ोगे, 2500 पर स्क्वायर फुट पकड़ोगे तो 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख पर काम नहीं है। काम 27 लाख समथिंग, 28 लाख का काम है। काम सो दिया सो वेस्ट को, कंपनी किसकी है? पहले संपत शिवाले के चिरंजीव की थी, जो बाद में रिलेटिव शेटे के नाम पर कर दी उन्होंने, और पता नहीं किसी नाम और भी कर दी होगी। मतलब घर में ही ये लूट चली महापालिके की, ये लूटते रहे और मैं ऐसे देखता रहूं और ये बोले कि राजनीति हो रही है, वो तो नहीं होने दूंगा मैं। इस विरोना केंद्र में एक टॉयलेट बनाने वाला है, तो सुबह सुबह हम लेटरिन बाथ उससे मिलने जाएंगे गार्डन में। इसमें ये एसी बिठाने वाला है। मुंबई में सबसे टॉप का एरिया नेहरू पॉइंट, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री जास्ती क्योंकि वहाँ एसी ज़्यादा है, मतलब गार्डन में टेम्परेचर बढ़ाओगे। फिर इस श्री संपत शिवाले का शीर्षा के सामने ऑटो रिक्शा स्टैंड पे कब्जा है, वहाँ दरपत भाई स्ट्रेटजी चलाता है, यहाँ भी ये कब्जा ही करेगा। ये सीनरी छोटे नहीं बना रहे, ये बना के ट्रस्ट मिला के अपने नाम पे लेगा और इसका खासगी कार्यालय बनाएगा। विरंगला के अंदर बनाना है तो आप गार्डन के बाहर बनाओ, मुझे प्लान पास करके दो, मैं फोकट में मेरे पैसे बनाऊंगा, 28 लाख म्यूनसिपलिटी का बचेगा। सीनियर चीन मेरी विनती है कि आपके लिए मैं बना के दे रहा हूँ ना, आप गार्डन क्यों खराब कर रहे हो? ना टेक्निकल सही है, ना लीगल सही है, और नेसर्ग को खत्म करना सबसे बड़ा क्राइम है। मैं तो बोलता हूँ जिन्हें यह प्रस्ताव डाला है उन पर एफ आई आर दाखिल होनी चाहिए।